खबर बस्ती से है, जहां बस्ती जिले के नगर पंचायत नगर बाजार से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी उर्मिला सोनकर पत्नी रमेश सोनकर से चुनावी मुद्दों पर चर्चा की गई। आइए देखते हैं बस्ती से ब्यूरो रिपोर्ट। बस्ती के नगर पंचायत क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद निर्मल प्रधान उर्मिला सोनकर पत्नी रमेश सोनकर जी, आइए जानते हैं ये किन चुनावी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को उन्हें कितना समर्थन मिल रहा है। आइए मिलते हैं रमेश सोनकर जी से। रमेश सोनकर जी, आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को बीच जाने पर आप किन चुनावी मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और कितना समर्थन आपको मिल रहा है जनता का? जनता का तो मुझको भरपूर समर्थन मिला हुआ है। जनता को लिए मैं इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे जनता पूरे नगर पंचायत में जितना सरकारी योजना आएगा उतना हम जनता में ला के सामने रखेंगे। हर हर सुविधा जितना जनता का होगा मेरे घर सुविधा करूँगा। बरात घर हो गया, खाद्या हो गया, नाली हो गया, शौचालय हो गया, राशन कार्ड हो गया, विधवा पेंशन हो गया, साठ साल हो गया, जितना होगा समाज के लिए मैं भरपूर करूँगा। ये हमारा हम जैसे 8 साल मेरा यही रिकॉर्ड है, मैं समाज की लड़ाई लड़े, कोटा से लड़ाई लड़े, हर व्यक्ति के लिए मैं अपने गरीब भाई के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं भैया। जैसा कि आपने सुना रमेश सोनकर जी की बातों की, 8 साल से समाज सेवा कर रहे हैं और अगर इन्हें मौका मिलता है जनता के बीच आने का ये विकास के कार्य करेंगे और नगर की जनता के लिए हमेशा तत्पर आएंगे। इसी के साथ मैं भी आगामी 11 मई में किन लोगों से कहना चाहूँगा कि भारी मतों से वोट देकर आप इन्हें विजयी बनावे। इनका चुनाव निशान है केला का पेड़, देख लीजिए आप पोस्टर भी साथ में हमारे साथ के समर्थक लेकर खड़े हुए हैं, केला का पेड़ चुनाव निशान, केला का पेड़, इसी पे भारी मतों से वोट देकर विजयी बनावे। धन्यवाद। ओके।